हेलो फ्रेंड्स मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएं यानी कि अगर आप भी फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते हो और उसमें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके की तो फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको वो फ़ोटो ले लेना है जिसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं मैंने ये फ़ोटो ली है मैं यहाँ पे दो चीज़ें करने वाला हूँ सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हटाऊंगा और इसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड ऑनलाइन हटा सकते हैं क्योंकि अगर आप फ़ोटोशॉप में हटाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी पर मेरे हिसाब से आप फोटो ऐसा ही क्लिक करें जिसमें जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक कलर का होना चाहिए पर मैं आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ आप भी कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो लेना है ध्यान रखना है कहाँ पर है गूगल क्रोम ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पे आप सर्च करें रिमूव बीजी रिमूव बीजी आप सर्च करिए क्योंकि अगर आप मैनअली करेंगे फ़ोटोशॉप में तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप फ़ोटोशॉप चलाना जानते हैं तो कर सकते हैं पर नहीं जानते तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा ये काम आप फ़ोन से भी कर सकते हो अपलोड इमेज पे जाओ अपलोड इमेज पे फिर से जाओ अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करो जो आप पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो ये रही मेरी फ़ोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको ओपन पे टच करते हैं क्लिक करते हैं फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है अब यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड क्या करना चाहते हैं देखिए वाइट करना चाहते हैं ब्लू करना चाहते हैं रेड करना चाहते हैं देखिए क्या करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करें थोड़ा सा वेट करें आपको यहाँ पर मिलेगा अपलोड बैकग्राउंड और कलर फ़ोटो कलर अपलोड बैकग्राउंड तो यहाँ से आप कोई कलर ऐड कर सकते हैं वरना कलर में आके कोई अपना मनपसंद कलर ले सकते हैं मैं वाइट लूँगा आप ब्लू भी ले सकते हैं पर मैं वाइट लूँगा ओके पे क्लिक करता हूँ मैंने कर लिया यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको और डाउनलोड कर लेना है इस इमेज को यहाँ पर मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया है अब आपको अपने कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप को ओपन करना है सिंपल फोटोशॉप को ओपन करिए आपके पास कोई सा भी फ़ोटोशॉप है सब में सेम ही तरीका रहता है लगभग मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज लेंगे वो वाला जो हमको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ओ करें यानी कि उस इमेज को लीजिए वरना फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करिए तो ये रहा हमारा फोटो हम इस पर क्लिक करते हैं ओपन करते हैं फ़ोटो हमारा आ चुका है इसे आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर, कर लीजिए पहले और ओके कर लीजिए इससे हमारा जो ओरिजिनल इमेज है ख़राब नहीं होगा कॉपी वाला छोड़ दीजिए और जो ओरिजिनल वाला है उसको हटा दीजिए क्रॉप कर कट कर दीजिए अब हमें इसे क्रॉप करना है पासपोर्ट साइज़ में तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉप वाला आइकन इस पेक क्लिक करें और आपको मिलेगा यहाँ पर वृद्ध और हाइट और रेजोलेशन आपको थ्री करना है फ्रंट इमेज करके रेजोलेशन थ्री रखिएगा और यहाँ पर साइज़ मैंने दे रखा है आप यही साइज़ सेट कर लीजिए सेंटीमीटर में और थ्री हंड्रेड जरूर रखिएगा इससे फ़ोटो क्लियर आएगी फ़ोटो क्रॉप कर लीजिए पासपोर्ट साइज़ में मैं कर लेता हूँ कर लिया है मैंने इतना और कंट्रोल प्लस माइनस से इसको छोटा कर लीजिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ये पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है अब हमें इसे पेज पर लगाना है और बहुत सारे फ़ोटोज़ में बनाना है तो सबसे पहले हम इस पर स्ट्रोक लगाएंगे ब्लैक कलर का आपने देखा होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनती है तो उस पर ब्लैक कलर का साइड में आउटलाइन रहती है तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेयर वाला ऑप्शन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे विंडो में आना है और लेयर ऑप्शन को अनेबल कर लेना है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा और क्लिक करोगे तो आ जाएगा लेयर पे क्लिक करें डबल क्लिक करना है माउस से आपको मिलेगा स्ट्रोक स्ट्रोक पे आना है यहाँ पे साइज करिए आप इसका करीबन सैवन या एट यहाँ पे कलर को आप ब्लैक कर लीजिए और यहाँ पे आपको पोजीशन इसकी रखनी है इनसाइड इनसाइड रखिएगा वरना आपका जो स्ट्रोक लगेगा वो हल्का सा साइड से राउंड हो जाएगा हमें बिल्कुल कॉर्नर चाहिए बिल्कुल यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ देखिए पूरा कॉर्नर आ रहा है आप इनसाइड रखिएगा और यहाँ पे ब्लैंड मोड नॉर्मल रखिएगा कलर ध्यान रखिएगा और कलर टाइप यहाँ पर कलर रखिएगा फिल टाइप ओके कर दीजिए हमारा जो फोटो है अच्छे से बन चुका है अब हम इसे पेज पर पे सेट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका साइज़ भी सेट करना पड़ेगा वरना हम पेज पर पे अगर सेट करेंगे और बाद में प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा तो आपको इमेज में आना है इस पर यहाँ पर क्लिक करें इमेज में आएँ इमेज साइज में आएँ यहाँ पे आपको इसे बंद कर देना है ध्यान रखिए आपका चालू होगा शायद इस पर बंद कर दीजिए यहाँ पे आपको इसे सिलेक्ट करना है और इंचिस कर देना है दोनों को इंचिस कर दीजिए और यहाँ पे आप नंबर डालिए एक पॉइंट तीन पाँच और नीचे वाले में डालिए एक पॉइंट सात पाँच ध्यान से देख लीजिए ऊपर वाला मत छेड़िएगा नीचे वाले का हमको काम है रेजोलेशन यहाँ पे फिर से तीन हंड्रेड यानी कि थ्री हंड्रेड दीजिएगा तीन सौ पिक्सल इंचज होना चाहिए यहाँ पे और इंच मैंने कर रखा है पहले से ध्यान से देख लीजिए सेटिंग और यहाँ पर ओके पे क्लिक करें यह थोड़ा छोटा हो जाएगा अब अब हमें एक नया पेज लेना है जहाँ पर हम इस फोटो को सेट कर सकें तो कंट्रोल प्लस एन लेना है आपको या फाइल में जाएं यहाँ पे आप करें कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे होगा देखिए ये रहा न्यू इस पर क्लिक करें यहाँ पे पेज का नाम डाल दीजिए कस्टम है दीजिए वरना आप यहाँ पे प्रेसर साइज़ यानी पेज का साइज़ क्या रखना चाहते हैं आपका ग्लॉसी पेपर यानी जिस पे फ़ोटो निकालते हैं वो किस साइज़ का है देखिए मेरा है ए साइज़ का ज़्यादातर जो पेपर होते हैं ग्लॉसी पेपर वो एोर साइज़ के ही होते हैं ए फोर साइज़ आ रहा है यहाँ पे आप कुछ मत छेड़िए बाकी यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रहने दीजिए आर कलर रहने दीजिए और रेजुलेशन थ्री रहने दीजिएगा फिर से इस बात का ध्यान रखिएगा ओके पे क्लिक करें एक नया पेज आ चुका है हमारे पास आपको लग रहा होगा छोटा है पर कोई दिक्कत नहीं है अब आपको ये वाला टूल लेना है यहाँ पे मूव टूल ये वाला ध्यान से देखिए और यहाँ पे आपको इसे फोटो को उठा के ऐसे करके यहाँ पे ले आना है और छोड़ देना है और इसको आपको डबल क्लिक करना है इससे ये बड़ी हो जाएगी और कंट्रोल प्लस करें यानी कि इसको जूम कर लीजिए वरना यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए आप इसको यहाँ पे आइए और इसको आप करीबन थर्टी कर लीजिए कॉर्नर की तरफ नीचे ध्यान दीजिए इस पर थर्टी कर लीजिए इससे ये बड़ा हो जाएगा मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें अब पेज हमारा यहाँ से शुरू है और यहाँ पर इसकी आउटलाइनिंग है तो ध्यान रखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं तो आपको थोड़ा बीच थोड़ा बहुत बीच में गैप छोड़ना पड़ता है तो आपको इसे उठा के यहाँ रख देना है और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़िएगा मैं आपको बताता हूँ क्यों तो गैप छोड़ दिया मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर से और साइड से इतना छोड़ा है और अब हमें इसे डुप्लिकेट करना है यानी कि बहुत सारी फ़ोटोज़ बनानी हैं तो ये हमारी लेयर सिलेक्ट है अभी हम इसको हिला सकते हैं ऐसे करके फिर आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन दबाना है और दो एरो हो दिख जाएंगे आपको देख सकते हैं दो एरो दिख रहे हैं एक ब्लैक एक वाइट तो आपको अपने माउस से उठा के ऑल्ट बटन दबाए रखना है और इसे साइड कर देना है और यहाँ पे ये बिल्कुल बगल में आ जाएगा अगर आपको सीधा इसके सीध नहीं मिल रही है यानी सीधा नहीं मिल रहा है तो आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है साथ में तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सीधे में आ जाएगा कर दिया हमने एक और कर लेते हैं हम इसे ऑल्ट बटन दबाए रखना है ध्यान रखिएगा थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़िएगा ताकि बाद में अगर आप फ़ोटो कट करें तो आपको दिक्कत ना आए मैं इतना गैप छोड़ता हूँ इसमें भी एक और कर लेता हूँ फ़ोटो फिर ऐसे ऑल्ट बटन दबाए रखना है ध्यान रखिएगा आपको जब एक फ़ोटो यहाँ पे आप सेट कर लो यानी कि एक फ़ोटो को दो कर लो तो ऑल्ट बटन छोड़ना है फिर तीसरा करना चाहते हो तो फिर से ऑल्ट बटन दबाना है मैं ऑल्ट बटन दबाता हूँ नीचे लेके आता हूँ और ऑल्ट बटन को छोड़ देता हूँ और माउस को भी छोड़ देता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर करता हूँ वही चीज़ ऐसे करके आप जितनी मर्ज़ी फ़ोटोज बना सकते हो तो हमारी फ़ोटो बन गई है अब हम इसे छोटा करना है यहाँ पे इसे हम छोटा कर लेते हैं पहले एफ़ बटन प्रेस करें इसे छोटा कर लीजिए वरना हम इसे नॉर्मली तो एंटर कर लीजिए एंटर करने के बाद इसे छोटा कर लीजिए एंटर बटन प्रेस करें हमारी फोटोस तो बन चुकी है अब हमें इसे प्रिंट आउट करना है यानी चेक करना है कि अच्छी लगे कि नहीं लगेगी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको कंट्रोल प्लस पी करना है पहले चेक करना है देखिए ऊपर की तरफ से मैंने ज़्यादा गैप आपको इसलिए छोड़ने को कहा था क्योंकि अगर हम कम गैप छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी वो चीज़ दिखाई नहीं देगी यानी कि ऊपर की आउटलाइन दिखाई नहीं देगी ध्यान रखिएगा इस बात का आप और गैप छोड़ सकते हैं और प्रिंट कर लीजिए पे सेटअप करके प्रिंट कर लीजिए वन अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं फिलहाल तो आपको फाइल पे जाना है सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे करिए सेव यहाँ पे नाम डाल दीजिए मैं करता हूँ इसका नाम है राहुल तो हम राहुल करते हैं और फ़ोटोशॉप में आके जेपीजी जे करते हैं जे कर दिया है मैंने और सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे करा है मैंने और सेव कर लेते हैं हमारा फ़ोटो यहाँ पर सेव होने के तैयार है आपको इसे लार्ज करना है इस पर आना है दो एम बी करना है ओके करना है फ़ोटो हमारा सेव हो गया है अब आपको वो फ़ोटो दिख जाएगा ये रहा हमारा फ़ोटो हम इसे ओपन करते हैं ओपन करने के बाद हमारा फ़ोटो बन चुका है देखिए कितना क्लियर लग रहा है हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें देखिए जितना ज़ूम करेंगे उतना ही फ़ोटो क्लियर आएगा कोई फ़ोटो में कोई ब्लर नहीं है धुंधली फ़ोटो नहीं है कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं अगर चाहो तो बाकी प्रिंट कैसा करना है ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका जो प्रिंट है वो किस तरह का आएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा इसे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना है आपका फ़ोटो जिस साइज़ का है देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा भी गैप कम है तो हम इसको पेज साइज़ को ए करना पड़ेगा हमको तो कर दिया है हमने देख सकते हैं गैप बराबर आ गया है और इसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करने के बाद आपका फ़ोटो आपको मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय